भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पानीपत में बड़ी रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल के सरकार पर कसे गए तंज और योजनाओं पर किए गए हमलों का कांग्रेस नेत्री साक्षी सेठी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होने की जरूरत है। सरकार अपने साथी व्यापारियों और आम जनता के लिए अलग अलग रवैया रखती है। साक्षी सेठी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी देश के आम आदमी से जुड़ रहे हैं, वो उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। सेठी ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात की चिंता है कि हमारा सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास है। देश के बाकी लोगों को आजीविका के लिए भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। साक्षी सेठी ने कहा कि व्यापार को कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अपने सपनों को साकार कर सके और खुशी से जी सके। दरअसल पानीपत में रैली के दौरान राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन सबसे अमीर 100 लोगों के पास है। उन्होंने रैली में मौजूद हजारों लोगों से पूछा कि क्या आपको इसमें न्याय दिखाई देता है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।